वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जट मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने बीते साल गदर 2 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त वापसी की। इस मूवी में एक्टर का जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिला था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। कमाई के मामले में इस मूवी ने कई रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। अब फैंस एक्टर की नई मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को सनी देओल का बर्थडे गया और ऐसे में इस खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक रिटर्न गिफ्ट दी। सनी देओल ने अपने बर्थडे के मौके पर अपनी नई मूवी के टाइटल और फर्स्ट लुक से पर्दा उठा दिया है और तब से इस मूवी की चर्चा बहुत ही हो रही है सोशल मीडिया पर और सभी लोग सनी देओल की ये मूवी देखने के लिए बहुत ही इंतजार कर रहे है। जट का पहला पोस्टर शेयर कर उन्होंने सबको खुश कर दिया। जट मूवी को साउथ के फेमस डायरेक्टर गोपीचंद मलेदिनी ने डायरेक्ट किया है। डायरेक्टर मलेदिनी को फैंस इंटेंस एक्शन और दिलचस्प कहानियों को जोड़ने के लिए जानते हैं और अब इनका पोस्टर देख दर्शकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। माइथ्री मूवी मेकर्स और पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बनी मूवी जट के पोस्टर में देखा जा सकता है कि सनी देओल हाथ में बड़ा सा पंखा पकड़े हुए नजर आ रहे है। इससे पहले गदर 2 में एक्टर हेडपंप उखाड़ते हुए दिखाई दिए थे। ऐसे में अब जट का पोस्टर देख समझ आ रहा है कि ऑडियंस को इस मूवी में भी भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। सनी देओल की इस जट मूवी में उनके साथ देंगे रणदीप हुड्डा, सयामी खेर और रेजिना कैसेंड्रा। अभी मूवी की रिलीज डेट पक्की नहीं हुई है, सिर्फ उनका पोस्टर ही रिलीज किया गया है और टाइटल फाइनल किया गया है। इसके अलावा जट मूवी में दिखाई देने के बाद सनी देओल बॉर्डर 2 लाहौर 1947 मूवियों में भी दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी उनकी मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वी आर गुज्जू चैनल को सब्सक्राइब